Hey आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं टू कर्बल बर्निंग मेक स्ट्रॉ मैनेजमेंट मशीन्स अफोर्डेबल सो जो पराल होती है जो स्टबल होती है उस पर नियंत्रण रखा जाए उस पर कर्ब किया जाए उसकी बर्निंग पे कंट्रोल किया जाए उसकी बर्निंग को और जो स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट होता है जो स्ट्रॉज होते हैं बेसिकली यही जो पराल होती है जो एक्स्ट्रा ही बच जाता है बेसिकली खेतों पर ठीक है सो so, उनकी मैनेजमेंट के लिए जो मशीन्स अवेलेबल है उनको अफोर्डेबल बनाया जाए आगे बढ़ने से पहले गए स्पेशल क्लासेस कार्निवल स्टार्ट हो चुका है हंड्रेड प्लस फ्री लाइव क्लासेज आर अवेलेबल फ्रॉम ट्वेंटी अक्टूबर एट ए एम सुबह आठ बजे से स्टार्ट हो जाएंगी सो यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन ऑफ सिविल सर्विसेज ट्वेंटी 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 वन

आशना सिसोदिया मैम है मोहम्मद रिजवान सर आपको ये पढ़ाएंगे ठीक है होलिस्टिक अप्रोच टू तो करंट अफेयर्स ये आपको मोहम्मद रिजवान सर पढ़ाएंगे और आशना मैम आपको कॉम्प्रिहेंसिव टाइम बॉन्ड शेड्यूल फॉर अ डिसिप्लिन अप्रोच टू तो द एग्ज़ाम ये आपको पढ़ाएंगे वन इज़ बायिंग फ्रॉम नाइन ए एम एंड द अदर वन इज़ इंग्लिश वाला जो बैच है वो बेसिकली uh, होलिस्टिक uh, वाला जो बैच है वो इंग्लिश में होगा वो टेन ए एम से होगा देन स्पेशल क्लासेज होंगी इन्वायरमेंट और जोग्राफी पे भी तो ये सात बजे से स्टार्ट हो जाएंगी सेवन टू एट बेसिकली सेवन एट एलेवन टेन एट तो रात के आठ बजे तक ये क्लासेस चल रही हैं एंड दीज मैन्यू टीचर्स विल टॉट यू सो ये सभी आपको पढ़ाएंगे स्पेशल क्लासेस ऑन इकोनॉमिक्स आर ऑल्सो देयर अंडरस्टैंड फाइनेंशियल मार्केट्स तो आपको सारे इकोनॉमिक्स के बेसिक्स से लेके बिल्कुल आपको एक तरह से करंट अफेयर्स के लिए की अप्रोच से और इवन मेन्स के अप्रोच से आपको ये पढ़ा, पढ़ाया जाएगा स्मिथिंग टीचर्स इन्वॉल्व शिवा प्रसाद सर विजेंद्र सर एंड अमित माथुर सर एंड देर आर फ्यू स्पेशल क्लासेज ऑन जी एस एंड एम सी क्यूज एज वेल तो ये भी सारे के सारे टॉप अन अकेडमी एजुकेटर्स हैं स्पेशल क्लासेज ऑन जी एस एंड एम सी क्यूज दीज आ टीचर्सेंपेशल क्लास ऑन करंट अफेयर्स आर ऑल्सो देयर सो ये करंट अफेयर्स के भी सारे टीचर्स हैं जो बहुत बढ़िया टीचर्स हैं स्पेशल क्लासेज ऑन ऑप्शनल आर ऑल्सो देयर सो ये आप देख सकते हैं कि सबसे पहला लिटरेचर हैंकोलॉजी जूरोलॉजी ऑफ ऑप्शनल ओके एथिक्स और आंसर राइटिंग भी काफी इम्पोर्टेंट जीएस पेपर फोर वाला जो होता है तो उसके ऊपर ये सभी टीचर्स आपको पढ़ाएंगे दे आर वेरी एक्सपीरियंस्ड सो गाइस अभी एनरोल कीजिए अन अकेडमी पे एंड अवेल दिस सब्सक्रिप्शन एंड बेसिकली ये तो क्लासेस फ्री हैं है तो ये, राइट go and, go an yeah, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे बारे में है अगर आपको मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछना है लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वारी है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम और ट्विटर पर पूछ सकते हैं ना ये बहुत ही छोटा सा चार्ट है जिसमें आपको काफ़ी चीजें समझने को मिलेंगी एज यू कैन सी आर टू टाइप ऑफ स्टबल स्टबल बर्निंग बर्निंग क्रॉप के दो ही सीजन होते हैं फर्स्ट इज अक्टूबर अक्टूबर में पैड़ी की हार्वेस्टिंग होती है पैड़ी मतलब धान और अप्रैल एंड टू मे में आपकी वीट की हार्वेस्टिंग होती है यानी कि गेहूं की एक टन स्ट्रॉ इनका बर्न करने से क्या होगा देखते हैं तो ये दो चीजें करता है एक तो ये रिलीज करता है कुछ मात्रा में कुछ गैसेस और दूसरी चीज़ ये उस एरिया से जहाँ पर ये बर्न किया जा रहा है वहाँ पर कुछ गैसेस का इंपॉर्टेंट गैसेस का लॉस हो जाता है मिनरल्स का लॉस हो जाता है एज यू कैन सी एन जो होता है एनपी मतलब नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटेशियम ये बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है माइक्रोन्यूट्रेंट्स में आता है ये फॉर द प्लांट्स ग्रोथ और फील्ड्स के लिए भी सो एज यू कैन सी वहाँ पर एन नाइट्रोजन अगर एक टन का स्ट्रो आप जलाओगे तो नाइट्रोजन का 5.5 पॉइंट तक लॉस होता है पोटेशियम का 25 फाइव तक लॉस होता है फॉस्फोरस का 2.3 पॉइंट तक और सल्फर भी लॉस होता है 1.2 पॉइंट सो so, माइक्रो और माइक्रो मै, दोनों न्यूट्रंस इसके अंदर आएंगे उसके अलावा ये रिलीज करता है बहुत ही हार्मफुल गैसेस को एजुके पार्टिकुलेट मैटर को तीन के तक ये छोड़ता है कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही गंभीर गैस होती है हमारे न्यूरोलॉजिकल सिस्टम को डिस्टर्ब कर सकती है सिक्सटी के तक और ये बेसिकली ओजोन लेयर को भी डिप्लेट करती है एज यू कैन सी सो ये चौदह सौ साठ के जी तक ये निकलता है ऐश निकलती है एक सौ निन्यानवे के जी एंड देन एस ओ टू सल्फर डाइऑक्साइड विच कॉजेस क्या विच एसिड एसिड्रेन तो वो दो के जी तक निकलती है सो ऑल दीज थिंग्स कम कि भाई एक टन ऑफ स्ट्रॉ जलाने से कितना सारा कुछ हार्मफुल चीजें निकल सकते हैं कितनी इम्पोर्टेंट चीजें लॉस कर सकते हैं नाउ फाइन क्या है बर्निंग के लिए तो अगर आप स्ट्रॉ की बर्निंग करते हो, हो तो स्ट्रबल क्या है हरियाणा में एक एकड़ पे पांच हजार रुपए का फाइन अगर आप एकड़ एक की स्ट्रबल बर्निंग करते हो देन उसके अलावा पंजाब में ये चीज थोड़ी सी एक तरह से मीडियम रेंज में है कि ढाई एकड़ से अगर आप कम बर्न करते हो तो आपको ढाई हज़ार का फाइन देना पड़ेगा और अगर आप ढाई हज़ार ढाई एकड़ से पाँच एकड़ के बीच में आप अगर बर्न करते हो तो पाँच हज़ार का फाइन देना पड़ेगा सो एज़ कम्पेयर टू द फाइन ये फार्मर्स को ज़्यादा नहीं लगता है तो दैट्स वाई बहुत सारे फार्मर्स जो बड़े बड़े किसान होते हैं वो ईज़िली इसको बर्न करते हैं फाइन भर के साइड हो जाते हैं इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन में क्या है सुप्रीम कोर्ट इन 2019 नवंबर नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया था गवर्नमेंट्स ऑफ पंजाब हरियाणा और उत्तर प्रदेश को कि फार्मर्स को उनका फाइनेंशियल इंसेंटिव दिया जाए कि उन्होंने किस तरह के प्रैक्टिस किए हैं इसको नियंत्रण में लाने के लिए ठीक है व्हिच अकाउंट्स फॉर नियरली 4 टू 30% ऑफ टेलिपॉल्यूटेंट कंसंट्रेशन इन दिल्लीस एयर इन द अर्ली विंटर मंथ्स सो so, इस चीज़ के लिए उनको फाइनेंशियल इंसेंटिव दी जाए कि भाई आप पराल मत जलाइए हम आपको अल्टरनेटिव मेथड्स देते हैं हम आपको पैसे देते हैं एंड uh, मतलब विल डू समथिंग विद इट हम उसका मैनेजमेंट सिस्टम संभालेंगे किसका स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम और यू कैन से स्टबल बर्निंग का जो मैनेजमेंट सिस्टम है सो so, जिसकी वजह से दिल्ली का जो पॉपुलेशन है अर्ली विंटर मंथ्स में वो फोर टू थर्टी परसेंट सिर्फ और सिर्फ

सो so, ये जो चीज थी इसको इन्होंने बेसिकली वाइबल नहीं बताया है दो सच एन इंसेंटिव लाइकली टू इनकेज मोर फार्मर्स टू रिफ्रेंड फ्रॉम बर्निंग क्रॉप स्टबल इन द लॉन्ग रन द गवर्नमेंट कॉन्ट कीप बियरिंग दिस बर्डन तो मेन चीज़ ये है कि गवर्नमेंट का ये कहना है कि वो इस बर्डन को बहुत ज़्यादा देर तक नहीं सह सकते हैं बेशक से ये इंसेंटिव जो है फार्मर्स को इंकरेज करेगा कि आप स्टबल क्रॉप की स्टबल बर्निंग जो है उसको आप रोको उस पर नियंत्रण रखो बट बियर नहीं कर पा रही है ना अबाउट स्टबल बो स्टल जिसको हम हिंदी में पराली कहते हैं जो खेत में क्रॉप रेसिड्यू बच जाता है तो उसको आग जलाना उसको आग में जलाना टू रिमूव दम फ्रॉम द फील्ड टू शो द नेक्स्ट क्रॉप तो एक खेत में जब हम कोई गेहूँ या धान या कुछ भी उगाते हैं तो वो सब उसकी कटाई के बाद कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स उसमें रह जाते हैं ठीक है, है? आ, मतलब उसका रेसिड्यू रह जाता है कि पूरा पूरा नहीं कटता है उस जड़ से तो थोड़ा थोड़ा जो रेसिड्यू रह जाता है तो दिक्कत करता है कि नई उसके ऊपर क्रॉप उगाने में सो तो उसको चीज़ चेंज करने के लिए वो पूरी के पूरे खेत में आग लगा देते हैं जिसकी वजह से ये जो स्टबल होता है जो पराली होती है जल जाती है और ये फिर हार्मफुल कंपोनेंट छोड़ती है एटमोस्फेयर में गैसेस वगैरह और यहाँ से जिस एरिया पे जलती है वहां पर एन पी के जो मेन मिनरल्स होते हैं फॉर द क्रॉपिंग थिंग्स तो उसको भी ये डिसरप्ट करती है उसको भी नुकसान पहुंचाती है सो so, इसको कहते हैं स्टबल बर्निंग या फिर पराली इन ऑर्डर टू प्लांट विंटर क्रॉप रबी क्रॉप जिसको कहते हैं फार्मर्स इन हरियाणा एंड पंजाब हैव टू मूव इन अ वेरी शॉर्ट इंटरवल बहुत जल्दी से उनको ये काम करना पड़ता है अगर वो लेट हो गए क्योंकि शॉर्ट विंटर्स आती हैं इस टाइम पे तो उनको कंसिडरेबल लॉसेस फेस करने पड़ सकते हैं देयर फोर बर्निंग उनको सबसे ईजी ऑप्शन लगता है एंड फास्टेस्ट वे टू गेट रिड ऑफ़ द स्ट्रबल सो क्योंकि उनको जल्दी से जल्दी दूसरी क्रॉप उगानी होती है तो उनके पास ज़्यादा टाइम होता नहीं है इसके लिए बिकॉज़ जो शॉर्ट विंटर्स होती है वो उनके लिए चीज़ें बहुत ही ज़्यादा दुखदाई बना सकते हैं परेशानी कर सकती हैं कंसिडरेबल लॉसेस हो सकते हैं इसीलिए उनको बर्निंग सबसे चीपेस्ट और फास्टेस्ट और इफेक्टिव ऑप्शन लगता है आगे अगर पराली को फील्ड पे छोड़ दिया जाए तो पेस्ट लाइक टर्माइट्स टर्माइट्स मतलब जो भी दीमक वगैरह होते हैं वो अटैक कर सकते हैं अपकमिंग क्रॉप पे क्योंकि अब वो पराली छोड़ गए तो पराली पे ऑलरेडी दीमक लग गए होंगे सो दैट्स वाई अब नई क्रॉप अगर आप वहाँ पे उगाओगे तो दीमक ऑलरेडी वहाँ पर हैं तो उनके लिए वो एक तरह से यू कैन से यू हैव सर्व सम डिनर सो वो डिनर की तरह हो गया वो उसको खाएंगे फिर द प्रिकेरियस इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ फार्मर्स नॉट अलाउ देम टू यूज एक्सपेंसिव मैकेनाइज्ड मेथड्स टू रिमूव स्ट्रबल अब ये ऐसा नहीं है कि स्ट्रबल बर्निंग का कोई मैकेनाइज्ड तरीका नहीं है यू एस यूएस और ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड खासकर ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड तो वो डेवलप्ड कंट्रीज हैं जो कि अपनी फार्मिंग के बेस पर डेवलप्ड बनी है सो so, उन्होंने इस स्टबल बर्निंग का बहुत अच्छे सोल्यूशन निकाले हैं और मेकेज तरीके से स्टबल बर्निंग को हटाया है बट इंडिया के पास वो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है भी और नहीं भी एक तरह से क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशन या फार्मर की इतनी अच्छी नहीं है कि वो उस उन मेथड्स का यूज़ कर सके इवन द बेसिक मेथड्स दे कैन नॉट यूज़ बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ देयर्स सो इसीलिए ये यहाँ पर बहुत ही दिक्कत का मसला है स्टबल बर्निंग से इन्टल और हेल्थ रिस्क भी होते हैं इट इज रिपोर्टेड ट्वेंटी इन द एनसीआर इन द स्टेट ऑफ पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश एंड दिल्ली तो पच्चीस से तीस परसेंट कॉन्ट्रीब्यूशन एयर पॉल्यूशन में एनसीआर में जो दिल्ली एन सी आर का रीजन है नीयर कैपिटल रीजन सो so, उसमें ये बर्निंग ऑफ़ क्रॉप्स जो होती है पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश और दिल्ली इसी से इस पूरे इलाके में पोल्यूशन होता है पच्चीस से तीस परसेंट एक स्टडी ने एस्टिमेट किया है कि क्रॉप रेसिड्यू बर्निंग रिलीज करता है एक सौ वन फिफ्टी मिलियन टर्न्नस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ओवर नाइन मिलियन टर्न्नस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड पच्चीस मिलियन टर्नस ऑफ ऑक्सीजन ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर बेसिकली सल्फ बेसिकली सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह एंड सल्फेट एज वेल वन मिलियन टर्न्स ऑफ पार्टिकुलेट मैटर जो पार्टिकुलेट मैटर होता है पी थ्री पी टू इस तरीके से जो पार्टिकुलेट हो मैटर होता है जो काफी खतरनाक होता है ठीक है इन जनरल एंड 0.07 मिलियन टर्न्स ऑफ ब्लैक कार्बन ब्लैक कार्बन भी ये रिलीज करता है जो क्रॉप रेसिड्यू बर्निंग होता है ठीक है कफ और इंक्रीज इन कफ वॉज रिपोर्टेड बाई फोर्टी पीपल एंड एटीन रिपोर्टेड बीजिंग तो ये बहुत ही ज़्यादा गंभीर समस्या है कि वीजिंग तो एटी एटीन परसेंट लोगों ने इसको रिपोर्ट किया कफ़ और इंक्रीज इन कफ को फोर्टी वन पॉइंट सिक्स परसेंट लोगों ने इस टाइम पे और इस चीज़ की वजह से एंड वी ऑल हैव एक्सपीरियंसड या सो अनदर स्टडी बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज बेंगलुरु उन्होंने एस्टिमेट किया है कि पीपल इन रूरल पंजाब वो 7.6 करोड़ रुपए खर्च करते हैं और ट्रीटमेंट ऑफ एलिमेंट कॉस्ट बाय स्टबल बर्निंग बर्निंग तो स्टबल से जो समस्या होती है उनको उसकी वजह से वो मेडिकल व्यवस्था में करीब करीब 7.6 करोड़ रुपए पर साल खर्च कर देते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द थिंग्स विच आर देयर ड्यू टू स्टबल मेडिकल कंडीशंस ओके टल पॉल्यूशन इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को भी कॉन्ट्रीब्यूट करता है और हमें भी नुकसान पहुंचा है एंड आर ऑल्सोबल फॉर द हेज इन दैली जो हेज आ जाती है में, उसकी और तो हिमालय ग्लेशियर भी मेल्ट करें बिकॉज ऑफ द राइज कंटिन्यूस राइज इन द एवरेज टेम्परेचर द व्यू ऑफ एक्सपर्ट इन दैट इज दैट इन सी टू मैनेजमेंट ऑफ द क्रॉप रेसिड्यू

या फिर क्यूरोसिटी टू शो द क्योंकि उनको नई क्रॉप शो करनी तो जल्दी से वहाँ पर हटाना चाहते हैं इसलिए वहाँ पर इन सी टू मैनेजमेंट वहाँ पर नहीं करना चाहते हैं सो इसीलिए द पेडी क्रॉप रेसिड्यू इज़ नॉट यूजफुल एज फॉल्डर दूसरी बात यह है कि पेडी जो होता है धान का जो रेसिड्यू होता है क्रॉप का वो फॉल्डर की तरह चारे की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं ऑन अकाउंट ऑफ सिलिका कंटेंट क्योंकि उसमें सिलिका का कंटेंट होता है एस आई सिलीका मतलब एस आई ओ टू या जो भी होता है मतलब सिलिकन uh, का कंटेंट होता है सो so, इसी वजह से अगर उसको यूज़ करेंगे वो एज अ फॉर्डर एज अ चारा तो जानवरों को नुकसान पहुँचाएगा एज पर द न्यूज़ पेपर रिपोर्ट्स पंद्रह हज़ार डेथ हुई हैं एक साल में 2016 के साल तक एन सी आर ऑन अकाउंट ऑफ एयर पोल्यूशन विच रिक्वायर्ड एक्सप्लोरिंग मेजर्स फॉर कंट्रोलिंग द एयर पॉल्यूशन नो क्या रीजनस है स्टबल बर्निंग के इंडिया थर्ड लार्जेस्ट वीट प्रोड्यूसर है ठीक है पूरे वर्ल्ड में एंड देर इज़ प्रेशर ऑन फार्मर्स टू ग्रो मोर एंड मोर क्रॉप्स और प्रेशर भी है फार्मर्स पे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स उगाएं ऑल्सो वी आर नॉट ट्रैकिंग सॉयल हेल्थ हम सॉइल हेल्थ का तो बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हम अपनी हेल्थ देख लेते हैं बहुत चीज़ें देख लेते हैं बट फिर भी अपनी हेल्थ को हम फिर भी थोड़ा बहुत देखते हैं बट सॉइल हेल्थ का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते जैसे कि मैंने बताया था मिनरल्स लॉस हो जाते हैं सो सॉइल बायोलॉजी इज नॉट डिस्क मच इवन ये हमने कभी ये टॉपिक सुना भी नहीं होगा इससे पहले कि सॉयल बायोलॉजी करके कुछ होता भी है इट कम्स टू इन इन बर्निंग पंजाब देयर इज अ प्रॉब्लम विद मैनुअल लेबर तो मैनुअल लेबर वहाँ पर कमी है उनकी कमी है माइग्रेंट वर्कर्स हैव स्टॉप्ड विजिटिंग द स्टेट जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उन्होंने इस स्टेट में आना ही कम बंद कर दिया है और वो मैनुअल लेबर की वहाँ पर बिल्कुल कमी है

हल चलाते थे या खेती करते थे प्लफ बैक इन टू द फील्ड ओके आगे क्या है विद द इंक्रीज इन हार्वेस्टिंग तो क्योंकि इंक्रीज हुआ मैकेस्टिंग लॉन्गर स्टॉक्स आर लेफ्ट बैक तो ज्यादा ज्यादा जो स्टॉक्स थे बड़े बड़े वो छोड़ दिए गए दिस रिक्वायर ए लॉन्गर टाइम टू डिकम्पोज तो उनको ज्यादा टाइम लगा डिकम्पोज होने में वंस प्लफ्ड बैक इन टू दैंड सो फार्मर्स टेंड टू बर्न द क्रॉप रेसिड्यू एंड प्लक द फील्ड तो इसकी वजह से क्या किया क्योंकि उनको खेती करने में दिक्कत हो रही थी हल जोतने में दिक्कत हो रही थी खेत जोतने में दिक्कत हो रही थी देन दे यूज दिस मेथड कि वो क्रॉप को जलाना स्टार्ट कर दे क्रॉप रेसिड्यू को और फिर उसके बाद उसके ऊपर उस खेत को जोते द मेन प्रॉब्लम बिहाइंड क्रॉप बर्निंग इज रोटेशनल क्रॉपिंग सिस्टम ऑफ राइस एंड व्हीट तो रोटेशनल क्रॉपिंग सिस्टम है कि साल के एक टाइम पे राइस हो गएगी और दूसरे टाइम पे वीट उगेगी और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं हमारी ठीक है so, सो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम राइस होती है क्रॉप बर्निंग की फटाफट से राइस के बाद वीट एंड देन वीट के बाद राइस उगानी पड़ती है टू मोस्ट ऑफ द फार्मर्स फार्मर्स बर्न स्टबल एज दे हैव टू क्विकली क्लियर द फील्ड्स फॉर द नेक्स्ट क्रॉप ऑल्सो कॉस्ट ऑफ वॉडर कॉस्ट ऑफ चारे का कॉस्ट बहुत हाई होता है और ऑफ कन्वर्टिंग द स्ट्रबल इंटू समथिंग एल्स तो अगर आप उसको कन्वर्ट भी करना चाहते हो स्ट्रबल को तो उसका भी कॉस्ट काफी हाई होता है क्योंकि उसमें सेली से का आपको निकालना पड़ेगा इफ इट्स अ क्रॉप प्रेसिड्यू ऑफ पेडी देयर इज मिसमैच बिटवीन मैनुअल लेबर रिक्वायर्ड एंड इट्स अवेलेबिलिटी एज मोस्ट माइग्रेंट वर्कर्स लिव इन अक्टूबर नवम्बर एंड केम बैक कम बैक इन मे जून तो कम बैक करते हैं मे जून में अक्टूबर नवम्बर से मई जून तक वो नहीं रहते हैं माइग्रेंट लेबर्स ठीक है काम करने के लिए तो मैनुअल लेबर भी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे काफ़ी कम ही होती है उसकी दो वीट स्ट्रॉ की जो होता है वो सूटेबल होता है एनिमल्स के लिए आपको पता है कि हमें भी पता है कि धान का जो स्ट्रॉ होता है धान की जो स्ट्रबल होती है, है like paddy. वो एनिमल्स खा लेते हैं नॉट लाइक पैडी वो पैडी काफ़ी हार्ड होता है वो खा नहीं पाते एनिमल्स इट इज प्रॉब्लमेटिक टू स्टोर तो इसीलिए उसको स्टोर करना बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है इतना ह्यूज वॉल्यूम्स ऑफ स्ट्रॉ इन वन पार्ट ऑफ द लैंड इट इज़ ऑल्सो डिफिकल्ट टू ट्रांसपोर्ट इट बैक टू विलेजेस तो विलेजेस पे भी हम उसको ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते तो ट्रांसपोर्ट का ही खर्चा इतना आ जाएगा जितना कि उनको पूरा टोटल मिलेगा ये क्रॉप उगाने से एंड एज एडिशनल कॉस्ट इज इनक्योर्ड एंड कंटिन्यूसन विद इट एट द विलेज लेवल क्या होता है देर इज ऑल्सो द प्रॉब्लम ऑफ सेलिंग द हस्क तो जो हस्क निकलता है जो धूसा धूसा निकलता क्योंकि वहाँ पर प्रॉपर रेट नहीं मिलता है फॉर्डर का तो इसलिए वो जो हस की सेलिंग होती है उसमें भी प्रॉब्लम है एबसेंस ऑफ मार्केट लिंकेजेस इज देयर इज ऑलवेज देयर मार्केट वहाँ से अभी तक लिंक नहीं हुआ है विलेज लेवल पे बिसाइड्स इंडिया वीट्स डबल बर्निंग इज एन इशू इन चाइना एज वेल तो इंडिया के अलावा चाइना में भी इशू है दिस इज प्राइमरीली हैपनिंग इन राइस वीट सिस्टम एरियाज तो जहाँ पर राइस वीट राइस के बाद वीट वीट के बाद राइस जहाँ पर रुकती है उन एरियाज में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है जाना पड़ता है छोटे तो छोटे एक तरह से आप कह सकते हो कि रेसिड्यू रह जाता है खेतों पर अगर उसको प्रॉपरली मैनेज नहीं किया तो ऑप्स्टिकल एक बाधा के तौर पर काम कर सकता है लेबर के लिए जब वो ट्रांसप्लांटिंग कर रहे हैं मतलब उसकी जगह कोई और चीज उगा रहे हैं कोई और क्रॉप उगा रहे हैं समटाइम्स so क्या होता है कि स्टबल्स एक्यूमलेट इन वन एरिया एक जगह पे एक्यूमलेट हो जाते हैं खेत में बहुत सारा स्टबल वो अक्यूमलेट कर लेते हैं और फिर उसके बाद वो नए नए प्लांट्स को जो प्लांट की सीडलिंग्स होती हैं बीज हम डालते हैं उसको फिर वो डिस्टर्ब करते हैं राइस के सीडलिंग्स uh, को डिस्टर्ब करते हैं दिक्कत देते हैं डैमेज करते हैं नाउ वे फॉर्वर्ड क्या हो सकता है सो बोथ इन टू इन द फील्ड एंड टू एल्सवेयर सॉल्यूशन नीड्स टू बी कंसीडर तो दोनों ही सॉल्यूशंस को कंसीडर करना चाहिए अपार्ट फ्रॉम टैकलिंग द फंडामेंटल फैक्टर्स प्रॉमटिंग द प्रैक्टिस तो प्रॉम मतलब बेसिकली जो प्रैक्टिस में हम ला रहे हैं फंडामेंटल फैक्टर्स उसके अलावा मतलब बेसिकली उनको टैकल करने के अलावा ये दोनों ही इन सी टू और एक्सटू जो सोल्यूशंस हैं इनको भी हमें लाना चाहिए कि पराल को कहीं और ले जा उसका मैनेजमेंट करें या फिर उसी फील्ड के अंदर हम किसी तरीके से उसका मैनेजमेंट करें टू दैट एंड द सुप्रीम कोर्ट है यूनियन एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्ट्री सब इट सो उन्होंने मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल गाइडलाइंस दी है कि भाई आप इस पर कुछ ना कुछ एक्ट कीजिए अंडर अ हंड्रेड परसेंट तो ये हंड्रेड परसेंट सेंट्रली फंडेड स्कीम होगी ठीक है तो ये अच्छा चीज है ठीक है जिसमें कि पूरा का पूरा सेंटर से पैसा आएगा मशीन डेट हेल्प फार्मर्स इन इन सी टू मैनेजमेंट तो इन सी टू मैनेजमेंट में हेल्प uh, करने वाली मशीन्स उनको मिलेंगी बाई टिलिंग द स्टबल बैक इंटू द सॉयल तो वो क्या करेंगे आप वो जो स्टबल है उसको बाहर निकालने के बजाय अंदर ही दबा देंगे अंदर ही डाल देंगे एंड उसके बाद वो सॉइल के साथ एक्यूमलेट होके एक तरह का मिनरल ही बन जाएगा बेसिकली वो डिके हो जाएगा इन टू द सॉइल वट टू बी प्रोवाइडेड टू इंडिविजुअल फार्मर्स एट फिफ्टी परसेंट सब्सिडी तो पचास परसेंट की सब्सिडी मिलेगी यानी कि पचास परसेंट ही उनको पे करना पड़ेगा एंड टू कस्टम हायरिंग सी एच सी एट एट्टी परसेंट सब्सिडी जो कस्टम हायरिंग सेंटर्स होते हैं उनको ही एट्टी परसेंट की सब्सिडी पे मिलेगा ओके इंडिविजुअल फार्मर्स को फिफ्टी परसेंट सब्सिडी पे और कस्टम हायरिंग सेंटर्स को एट्टी परसेंट सब्सिडी पे ये चीज मिलेगी फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट जो सी एच सी है यानी कि कस्टम हायरिंग सेंटर्स हैं बट टू बी अंडर द ओवर साइड ऑफ विलेज पंचायत तो उनको विलेज पंचायत के अंडर मतलब उनको नियंत्रण में रखा जाएगा यानी कि विलेज पंचायत उनको ओवर साइड करेगा उनको देखेगा प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज वो उनको देखेगा और फार्मर प्रोड्यूसर भी उनको देखेंगे सो बेसिकली ये जो हमने जो सेंटर बनाए हैं इनसे सभी को मदद होगी ठीक है एक्स्यू टू सोल्यूशंस में क्या आ सकता है परचेज ऑफ द रेसिड्यू फ्रॉम द फार्मर्स हम वो पूरा का पूरा रेसिड्यू पूरी की पूरी जो पराल है उनसे ले सकते हैं मैनुअल लेबर के काम के तहत उनसे हम वो पूरा का पूरा रेसिड्यू ले सकते हैं इन स्टेड ऑफ बर्निंग इट एंड देन वी कैन यूज फॉर द जनरल जनरेशन ऑफ इथेनॉल एंड बायोगैस तो क्योंकि वो बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट है तो हम उसे इथेनॉल इथेनॉल और बायोगैस हम बना सकते हैं ठीक है ना उस रेसिड्यू से

पंजाब के ये जो मैनेजमेंट का सिस्टम है ये है पहुंच चुकी हैं बाय अक्टूबर 2020 ये काम उन्होंने अचीव कर लिया है अनलेस सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स एक्सेलरेट एफर्ट्स टू रीच फार्मर्स दिस ईयर टू विल बी लॉस्ट तो इस साल भी कुछ नहीं हो पाएगा कुछ खास नहीं हो पाएगा अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने साथ में मिलकर काम नहीं किया तो इन कंक्लूजन में यही है कि अनदर की फैक्टर विल बी इन्श्योरिंग अफोर्डेबिलिटी सो ऑफ द सर्विस सो जो भी सर्विस हम प्रोवाइड करें टू द फार्मर्स और टू द सी एच सी किसी को भी सो वो अफोर्डेबल हो सभी के लिए उसको ले सकें फॉर दोज हायरिंग द मशीन्स हरियाणा हैज़ रिजर्व सेवेंटी परसेंट ऑफ मशीन्स एट द पंचायत रन सी एच सीज सो हरियाणा ने सेवनटी परसेंट मशीन्स को पंचायत रन सी एच सीज के लिए रिजर्व रखा है फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स तो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए 70 का रिजर्वेशन है। जो भी सी एच सी मतलब पंचायत के द्वारा रन की जाने वाली सी एच जो मशीन हैं उनके लिए पंजाब ने इसको सर्विस टू तो उन्होंने प्रायरटाइज किया हुआ है कि उनकी मतलब बेसिकली सर्विस करेगी सर्विसिंग एंड या सर्व यान बोथ स्टेट्स एज दी सी हैज़ पॉइंटेड आउट विल नीड टू फॉर्मलाइज वट फार्मर्स आर टू बी चारी सी ए को और बहुत स्टेट्स को बेसिकली ई पी सी के जो गाइडलाइंस के द्वारा उनको फॉर्मलाइज करना पड़ेगा कि फार्मर्स को कितना पे करना पड़ेगा इन मशीन्स को खरीदने में और इन मशीन्स को यूज़ करने में जो भी है ना हरियाणा ने कहा है कि जो उनकी पंचायत है वो कोई चार्ज नहीं कर रही है ठीक है फॉर द रेंट पर्पज तो रेंट के लिए कोई चार्ज नहीं कर रही लेकिन पंजाब ने कहा है कि जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं उनसे सिर्फ ऑपरेशनल कॉस्ट के तहत चार्ज लिया जा रहा है जितनी ऑपरेशन की लागत है then if instead of incentives the state governments were to find a way to provide the service for free agar wo free de saken there would likely be greater uptake to usse zyada better kuch nahi ho sakta aur zyada se zyada log usse judenge fir the long term solution to yahi hai ki crop ka diversification hona padega paddy se theek hai but till the time msp public uh, basically procurement policies remain in place जब तक msp और public procurement policies hain कि जिसमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलता रहता है इट वुड बी डिफिकल्ट टू वीन पंजाब हरियाणा फार्मर्स फ्रॉम अवे अवे फ्रॉम पैडी मीनिंगफुली तो पैडी uh, की खेती से हम उनको uh, दूर नहीं कर सकते क्योंकि जब तक एम एस पी एंड ऑल दीज पॉलिसीज रिमेन इन टेक्ट तो वो वही उगाते रहेंगे जिसपे उनको बेसिकली uh, कुछ हद तक फ़ायदा हो सके या फिर उनकी कॉस्ट उनको बराबर मिलती रहे सो दैट्स इट फ्रॉम दिस टॉपिक गाइज दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड कीप स्टडिंग कीप learning and as always god bless you all jai hin.